अच्छा जी, तो यहाँ पे देखें, ये जो है ना, ये मैंने ये बॉक्स जो है ये लगवाए हैं। कल इनको छुट्टी थी ना, तो कल मैंने कहा कि ये मुझे लगा के दे। ये काफ़ी अरसे से लेके पड़े हुए थे, तो जब लगा रहे थे ना, तो नकाशा कहती है बाबा इसके ऊपर जो है ना वो मेरे खिलौने रखे हैं। तो बस नकाशा के जो है वो खिलौने इसके ऊपर रख दिए हैं। उसके अलावा एक और जो चेंज किया है वो ये देखें, ये जो है ये गमला यहाँ पे लगाया है, और इसके अंदर ये पौधा मैंने लगाया, ये बहुत प्यारा यहाँ पे लगा है। और इसके अलावा एक और चेंज जो है वो ये, और जो है इसके अलावा ये जो बेल है मेरी, इसको मैंने ना छत के ऊपर लगवाया। अब ये बिल्कुल सीधी हो गई, पहले ये थोड़ी सी ना ऐसे टेढ़ी थी, अब ये देखे ना ऐसे थी पहले ये थोड़ी सी, अब इसको की लगवा के छत के ऊपर तो ऐसे लटका दिया, अब ये ज़्यादा प्यारी यहाँ पे लग रही है। तो इसको भी निकाल के किसी दिन ना मिट्टी के अंदर, गमले के अंदर लगाऊंगी। तो बस इस तरह जो है ना वो बाकी काम भी कल इनसे करवाए हैं। नाश्ता वगैरह हम लोगों ने कर लिया है, अब जो है वो यहाँ पे मैं किचन में बर्तन धोने लगी हूँ, बर्तन धोती हूँ, उसके साथ ही जो है ना वो देखते हैं फिर आज खाने में क्या बनाना है, उसकी भी तैयारी साथ साथ कर लेते हैं। तो बस जल्दी जल्दी जो है वो बर्तन धो लेते हैं। बेटे यहाँ पे ना जंप करने लगे हैं, इधर बच्चों के लिए ना वो लेके आए हैं, उधर जंप करेंगे वो। हाँ ओके जी, ऐसे ऐसे कर लेंगे। हाँ मेरे बेटे ने करना है जंप। हाँ जी। तो जी यहाँ पे ये देखें गाड़ी आई है, अब यहाँ पे ना वो इधर बालून वगैरह लगा के वो बड़ा सा हवा भर के उसके ऊपर ना बच्चे जंप वगैरह करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना वो अब यहाँ से निकालने लगे हैं और सेट करने लगे हैं। बच्चे देखें कैसे इकट्ठे होना शुरू हो गए, फिर उसके बाद जो है ना वो मैं भी बच्चों को बस तैयार करने लगी, उनको भी बाहर लेके जाती हूँ। सारे काम वगैरह जो है वो मेरे खत्म हो गए हैं घर के, तो बस बच्चों को अब लेके चलते हैं बाहर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं, और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको जहाँ भी रखे हमेशा खुशाबाद और अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। इसी प्यारी सी दुआ के साथ आज की अपनी इस वीडियो का कर लेते हैं आगाज़। तो वीडियो के आगाज़ में जैसे कि आप बाहर देख रहे हैं, मेरी बालकोनी के साथ और बेडरूम की जो खिड़की वो भी इसी साइड पे है, तो बाहर ये छोटा सा जो है वो लगने लगा और मैं बच्चों को तैयार करके वहाँ लेके जाने लगी हूँ। तो यहाँ पे जो है ना वो अब मैं बच्चों को लेके जा रही हूँ बाहर। ये देखें कितने मज़े से जो है वो आराम आराम से चल के जा रही हैं। ना भी चलो चलो बेटे, और आगे आगे जो है वो काशा जा रही है, बस इधर से ऐसे घूम के। तो दूसरी साइड पे जो है ना वो है जहाँ पे वो आए हुए हैं लेके, थोड़ा सा बच्चों के लिए ना फन हो जाता है। तो बस मैं भी बच्चों को लेके वहीं जा रही हूँ, तो चलते हैं बच्चों को लेके वहाँ पे। चलो इधर जोड़ो अनाबिया, और आप जोड़ो इधर, चलो ऐसे जोड़ो, शाबाश अनाबिया, इसके ऊपर जोड़ो। फिर मारो, फिर मारो।
अना भी आपको उठा के देगी। फेंको अना भी आपको उठा के देती है। ओ शाबाश, अंदर से ही निकालो, अंदर से, अंदर से, अंदर से निकालो, इधर से आके निकालो बेटे, ऐसे। अच्छा जी, तो बच्चों ने यहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। अभी काफ़ी टाइम रहता था और देखें बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ आ गई है ना कि उनको अपनी सामान जो है ना वो भी समेटने का मौका नहीं मिला और बेचारे जितना वो गाड़ी के अंदर ही छुप गए। इतनी तेज़ अचानक से बारिश आई है पता नहीं कहाँ से कि उन लोगों को ना अपनी सारे लोग जो है वो घरों को वापस चले गए। यहाँ पे देखे कितनी तेज़ जो है वो बारिश हो रही थी। तो बस जब बारिश रुकी फिर हम लोग भी जो है वो घर वापस आ गए थे। अच्छा जी, तो जाने से पहले जो है ना वो मैं आटा जो है वो गूंथ गई थी। मैंने कहा चलो आज पिज़्ज़े बना लेते हैं। तो बस यहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो मैंने रेडी कर ली। अब जल्दी जल्दी जो है वो पिज़्ज़े बना लेते हैं। आटे का डो जो है ना वो मैं तैयार करके रख गई थी। तो बस ये भी काम से आ गए थे। बच्चों को भी बाहर से घुमा फिरा के मैं ले आई थी। मैंने सोचा कि चलो जल्दी जल्दी जो है वो पिज़्ज़े बना लेते हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना वो मैंने साथ साथ पिज़्ज़े तैयार कर रही थी और साथ साथ आप लोगों के साथ जो है ना वो पिज़्ज़ा शेयर करती हूँ। सिंपल आसान सा है, घर पर मैं ज़्यादा बनाती हूँ। मैंने बाहर से जो है वो हम लोगों ने कभी नहीं जो है वो पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। घर में मुझे बहुत अच्छा सा जो है वो बनाना आता। तो बस यहाँ पे जो है ना वो मैं सबसे पहले अपनी बेटी के लिए पिज़्ज़ा बनाया। उसने सिर्फ माइस वाला पिज़्ज़ा खाना होता है, माइस केजे और जो है ना वो पिज़्ज़ा सॉस लगा के बस उसके लिए सबसे पहले बनाया। उसके बाद जो है ना वो फिर छोटे छोटे ऐसे रोटी जैसे रोटी होती है ना बस उस साइज़ का जो है ना वो पिज़्ज़ा लेते हैं। उसके ऊपर सारी चीज़ें लगा के और चीज़ लगा के जो है ना इसको तंदूर के अंदर ही पका लेती हूँ और हमारा जो है वो पिज़्ज़ा मज़ेदार सा तैयार हो जाता है। अच्छा जी, सबसे पहले जो है ना वो अपनी बेटी के लिए पिज़्ज़ा बनाया था। उसके बाद अपने हस्बैंड के लिए उन्होंने ऊपर जो है ना वो लहसुन भी डाला है। उनको शौक़ होता है लहसुन खाने का, मैंने कहा डाले मुझे तो इतना खास कोई शौक़ नहीं है। तो बस ये है कि मिक्स करके अपनी अपनी पसंद की चीज़ें डाल के मज़ेदार सा बना के जो है वो खा लेते होते हैं। तो बस यहाँ पे प्याज डाला है, शिमला मिर्च, चिकन और माइस डाली है, साथ में ओलिवन डाले हैं जो जैतून होते हैं वो डाले हैं, उसके ऊपर चीज़ डाली है, टमाटो पेस्ट सबसे पहले लगाई है और बस इसको जो है ना वो तंदूर के अंदर मज़ेदार सा पका के तो खा लेंगे। तो यहाँ पे देखे मेरे हस्बैंड का जो है ना वो पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी हो चुका है। मुझे ओलिवन भी इतने खास जो है ना वो पसंद नहीं है, बस खा लेती हूँ लेकिन मुझे इतने पसंद नहीं। तो बस मैंने ढेरों ढेर जो है ना वो इनके पिज़्ज़े के ऊपर जो है वो डाले थे। तो बस एक पिज़्ज़ा तैयार हो चुका था, अब जो है वो मैं अपने लिए पिज़्ज़ा तैयार करने लगी हूँ। तो बस इसको भी जो है वो ओवन के अंदर रखते हैं और मज़ेदार से पिज़्ज़े बैठ के तैयार कर लेते हैं और बैठ के जो है ना वो आज पिज़्ज़े इंजॉय करेंगे। और बच्चों ने भी माशाल्लाह से बहुत खुश होकर जो है वो खा लिया था। अच्छा जी, तो यहाँ पे बैठ के जो है वो मज़ेदार से पिज़्ज़े खाते हैं, एंजॉय करते हैं। और यहाँ पे ये वाला पिज़्ज़ा भी जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। बस इसको थोड़ी देर ऊपर रखती हूँ और फिर इसको जो है वो काट के बैठ के जो है वो पिज़्ज़े एंजॉय करेंगे। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। अपना और अपनी फैमिली का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।